वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया तिथि होती है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सनातन धर्मियों का बहुत ही अधिक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत होता है, अर्थात ये सभी अक्षय हो जाते हैं, अर्थात इनका नाश नहीं होता। इसी से इसका नाम अक्षया हुआ है। इस तिथि को नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे, इसीलिए इस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है तथा इसी दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। अतः इसे मध्यान्ह व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। परशुराम जी प्रदोष काल में प्रकट हुए थे, इसलिए यदि द्वितीया को मध्यान्ह से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, परशुराम जयंती और हयग्रीव जयंती सब संपन्न की जा सकती है, और यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जयंती दूसरे दिन होती है। यदि इस दिन गौरी व्रत भी हो तो गौरी विनायको पेता के अनुसार गौरी पुत्र गणेश की तिथि चतुर्थी का संयोग अधिक शुभ होता है। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और महान फल देने वाली तिथि है, इसलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रत उत्सव आदि के अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र और आभूषण आदि बनवाए अथवा धारण किए जाते हैं तथा नवीन स्थान, संस्था एवं समाज आदि का स्थापन या उद्घाटन भी किया जाता है। ज्योतिषी लोग आगामी वर्ष की तेजी मंदी जानने के लिए इस दिन सब प्रकार के अन्न, वस्त्र आदि व्यवहारिक वस्तुओं और व्यक्ति विशेषों के नामों को तौलकर एक सुपूजित स्थान में रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलकर उनकी न्यूना अधिकता से भविष्य का शुभ अशुभ मालूम करते हैं। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि सोमवार और रोहिणी नक्षत्र ये तीनों हो तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जो कोई अक्षय तृतीया का व्रत रखना चाहे वो प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प करके भगवान का यथा विधि षोडशोपचार से पूजन करे, उन्हें पंचामृत से स्नान करावे, सुगंधित पुष्पमाला पहनावे और नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं का सत्तू, परशुराम के निमित्त कोमल ककड़ी और हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करें। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करें और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ, खांड, मावा, मिठाई आदि तथा सुवर्ण एवं जलपूर्ण कलश, धर्म घट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करें, पितृ श्राद्ध करें और ब्राह्मण भोजन भी करावे। यह सब यथाशक्ति करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान परशुराम जयंती भी होती है, क्योंकि परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को रात्रि के प्रथम प्रहर में हुआ था, अतः यह प्रदोष व्यापिनी ग्राह होती है। यदि दो दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन का व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद मम ब्रह्मात्व प्राप्ति कामनया
परशुराम पूजन महम करिष्ये। यह संकल्प करके सूर्यास्त तक मौन रखें और सायंकाल में पुनः स्नान करके परशुराम जी का पूजन करें तथा जमदग्नि सुतो वीर क्षत्रियांत कर प्रभो ग्रहणार्थ मया दत्तम कृपया परमेश्वर। इस मंत्र से अर्घ देकर रात्रि भर राम मंत्र का जप करें। अक्षय तृतीया के दिन गौरी पूजा भी की जाती है। इस दिन पार्वती जी का प्रीत पूर्वक पूजन करके धातु या मिट्टी के कलश में जल फल पुष्प गंध तिल और अन्न भरकर एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् सकला मम संतु मनोरथः। यह उच्चारण करके उसे दान करें। अक्षय तृतीया की ये महान तिथि आप सभी को सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली हो। इसी कामना के साथ अक्षय तृतीया की अनेकों शुभ कामनाएं। जय भगवान परशुराम जी, जय श्री हय ग्रीव जी, जय होमा गौरी।